मुख्यमंत्री भावांतर योजना का शुभारंभ मंडी प्रांगण में भी किया गया है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव और स्थानीय विधायक केके श्रीवास्तव के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का LED के माध्यम से सीधा प्रसारण भी करवाया गया ताकि किसानों को इस योजना की जानकारी मिल सके और वो इसका लाभ उठा पाए। भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर जिले के खुरई तहसील से किया है। ये जो भावांतर भुगतान योजना है ये किसानों के लिए बहुत ही फायदे की योजना है। इसमें हमारी सरकार समर्थन मूल्य पर उनके तो फसलें खरीदेगी और दो तीन स्टेट में जहां पर अच्छी उन्नत खेती होती है वहां के मॉडल रेट पे खरीदा जाएगा और किसान मंडी में जितना अपना फसल बेचेगा उसकी राशि का जो अंतर होगा वो किसानों के सीधे राशि दो महीने के अंदर उनके किसान के खाते में जाएगी। ये मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना है। एक समर्थन मूल्य होता है, कई बार मंडियों में समर्थन मूल्य से काफी नीचे किसान की पैदावार की नीलामी हो जाती है और किसान उसी मूल्य को लेकर के चला जाता है जिससे उसकी जो लागत लगी हुई होती है वो लागत उसको नहीं मिल पाती है। और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य जिन फसलों का हमने किया है वो 10 फसलें हैं, 10 फसलों में जो समर्थन मूल्य है अगर उससे नीचे किसानों का अनाज खरीदा जाता है मंडियों में तो जो भावांतर एक मॉडल रेट लेकर जो भावांतर की योजना वो उतना रेट किसानों के खाते में शेष व्यापारी देगा, बाकी जो शेष बचा समर्थन मूल्य से वो मध्य प्रदेश की सरकार अपने खजाने से किसान के खाते में पैसा जमा करेगी। खरगोन जिले में नगर परिषद कसरा